नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। ड्यूटी से छुट्टी पर घर लौट रहे सैनिक को नशीला पदार्थ खिलाकर अज्ञात आरोपियों ने अचेत अवस्था में रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के पंजाबी ढाबा के पास फेंक दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सैनिक को उपचार के लिए गंगेव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लद्दाख से छुट्टी पर अपने घर शहडोल जा रहा था सेना का जवान रास्ते में ही लूट का शिकार हो गया, जहां अज्ञात आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यह पूरी घटना रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत संचालित पंजाबी ढाबा के पास बीती रात की है, जहाँ एक सैनिक को अज्ञात आरोपी जो फोर व्हीलर वाहन में थे उन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर सैनिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि फोर व्हीलर वाहन में दो पुरुष एवं एक महिला सवार थे, जो प्रयागराज में सैनिक से मिले और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोशी हालत में पंजाबी ढाबा के निकट फेंक कर रफूचक्कर हो गए। बताया गया कि लद्दाख सीमा पर ड्यूटी देने वाला सैनिक अपने घर शहडोल के लिए रवाना हुआ था और बीती रात उसके साथ नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटना हो गई। अचेत अवस्था में पड़े सैनिक को देखकर ग्रामीणों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने पीड़ित सैनिक को उपचार के लिए गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। चैन लगा लो, ड्यूटी से भी गांव आ रहा है। क्या नाम बताए थे अपना? अपना सुनो। मैं देवेंद्र प्रसाद सेन। क्या? देवेंद्र प्रसाद सेन। सेन रहने वाले कहाँ के बताए थे? एमपी। एमपी? एमपी में कहाँ? शहडोल। चलिए ठीक भैया, इनका दवाई करवा दिया।